देखिए, मामला एक कोर्ट की अवमानना से जुड़ा था, जहां पे 2016 में एक कंटेम्प केस फाइल किया गया। कहा गया कि हमारा जो कोर्ट का आदेश है उसको पालन नहीं किया गया है। 2016 से मामला लंबी था और अब जब ये टेकअप हुआ तो पाठक जी, जस के पाठक साहब जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन है, उन्होंने 8 जून को इस विभाग में ज्वाइन किया और सारे कंटेम के मामले को रिव्यू कर रहे थे, बाकी सब मामलों के साथ भी। जैसे उनके संज्ञान में ये मामला आया, उन्होंने 16-15 तारीख तक को इसमें वीसी करके कंसर्न्ड ऑफिसर्स को डायरेक्शन देके और 16 को ये मामला को कंप्लाई करा दिया। मामला कंप्लाई हो गया, ऑर्डर का पालन हो गया। इसका मैंने खुद कोर्ट को बता दिया कि इस मामले को हम लोगों ने कंप्लाई कर दिया है। पिटिशनर के जो वकील हैं वो खुद हाजिर हुए, उन्होंने कहा कि हम सब कुछ कर दिया गया, अब हमको इसमें कुछ नहीं कहना है। उसके बावजूद भी कोर्ट ने कहा कि आपको पर्सनल अपीयर करना है, मिस्टर के पाठक को पर्सनल अपीयर करना है। वो इंसिस्ट करते रहे। उसके बाद से हमने कहा कि साहब, जब सब कुछ हो गया है, हमने उसका निष्पादन कर दिया है, पिटिशनर भी खुश है, कोई किसी को तकलीफ नहीं है, हमको बुलाने से काम हर्ज होगा, हमको छोड़ दिया जाए, कोर्ट ने ना मान के और उनके खिलाफ बेलेबल वारंट इशू कर दिया। उसके खिलाफ कोई चारा नहीं था तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके केस को जब सुना और देखा कि कम से कम 143 ऑफिसर्स को पर्सनल अपीयरेंस कराया गया था इस माननीय डिवीजन बेंच द्वारा, हमने ये सारा डाटा रखा, हमने ये भी रखा कि कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया गया है, मिस्टर के पाठक एजुकेशन को सुधारने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, वो ओवरटाइम करते हैं। तो कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, इस सब का संज्ञान लेते हुए ना केवल उस ऑर्डर को स्टे कर दिया जिसमें इनके खिलाफ अवेलेबल वारंट इशू था, बल्कि ये होल्ड किया कि इस तरह से छोटी छोटी मामलों पे अगर आप ऑफिसर्स को बुलाते हैं तो उससे कोर्ट की मैजिस्ट्री अपहोल्ड नहीं होती है बल्कि डाउन होती है। ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा जरूर किसी रेयर केस में आप बुला सकते हैं, बट एट एवरी ड्रॉप ऑफ हैट पे अगर आप ऑफिसर्स को बुलाएंगे तो पब्लिक की ड्यूटी कब करेंगे, पब्लिक का काम कब करेंगे, कब वो अपने काम को करेंगे? इससे हर्जा किसको होगा? स्टेट को होगा, पब्लिक को होगा। इसलिए बेवजह किसी ऑफिसर्स को नहीं बुलाना चाहिए कोर्ट में। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत बड़ा गाइडिंग फैक्टर दिया है।